जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपकी भी नींद रात्रि के इस पहर में खुलती है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे शरीर का अविभाज्य अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। नींद हमारे लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से सेहतमंद है। ऐसा कहा गया है कि हम सभी को रात्रि के पहले पहर में ही सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, परंतु आज के आधुनिक युग में यह संभव नहीं हो पाता। अगर किसी तरह कोई जल्दी सोने का प्रयास भी करता है तो सोशल मीडिया की लत उन्हें जल्दी सोने नहीं देती। इसके बाद किसी तरह व्यक्ति रात्रि में देरी से सोने की कोशिश करता है, परंतु किसी कारणवश अगर नींद खुल जाए तो वह व्यक्ति परेशान हो उठता है, क्योंकि नींद टूट जाने के बाद दोबारा सोना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों विज्ञान का भी मानना है कि रात्रि के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, अर्थात नींद हल्की होती है। यही कारण है कि तीसरे पहर में कई लोग अचानक से जाग जाते हैं, लेकिन नींद पूरी ना होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों नींद का अचानक किसी समय खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि प्रतिदिन नींद एक विशेष समय में खुलने लगे तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं होती। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी घटना मनुष्य के जीवन में बिना कारण के नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर स्वप्न भी देखता है तो उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। नींद का खुलना भी इसी तरह आपके जीवन में हो रहे बदलाव को प्रदर्शित करता है। इसे साधारण मान लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, अतः इसे अंत तक जरूर देखिए और सुनिए कि आखिर इसका रहस्य क्या है। दोस्तों अगर आप भी जल्दी सोने की कोशिश करते हैं परंतु आपको जल्दी नींद नहीं आती, तो हो सकता है आपके मन को कोई चिंता सता रही हो। आप मानसिक तनाव में हो सकते हैं, क्योंकि सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी होती है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता तो आपको गहरी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता होती है, चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोएं और सकारात्मक मंत्रों का जाप करें और अपने पिछले समय में बीते हुए खुशी के लम्हों को याद करें। इस तरह से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल तनाव कम होंगे बल्कि एक अच्छी नींद भी प्राप्त हो सकेगी। इसी तरह यदि आप रात्रि के समय 11 से 1 बजे के बीच सोते हुए जाग जाते हैं तो भी हो सकता है आप किसी बात को लेकर चिंताग्रस्त हों। ऐसे में आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर नींद पूरी करने के बाद आप ताजगी भरे मन से उठते हैं तो समस्याओं का समाधान अधिक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चिंता नहीं है फिर भी आपकी नींद अचानक 11 से 1 के बीच में खुल जाती है, तो इसका मतलब होगा कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना चाहती है। ऐसे में आपके जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों इसके बाद 1 से 3 बजे तक रात्रि में सबसे गहरी नींद का समय होता है। अगर इस समय में अचानक आप जाग जाते हैं तो यह दर्शाता है कि शायद आपका लीवर ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, आपको कोई ना कोई शारीरिक समस्या है। इससे आपको चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अगर आपने मन में बहुत कुछ छुपा के रखा है, आप उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा और नाराजगी आपके मन में है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है। ऐसे में आपको
ठंडा पानी पीने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा ध्यान करें, ईश्वर का नाम लें, निश्चित ही आपके जीवन में सुकून भरा दिन वापिस आ जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप कोई स्वप्न देखते हैं तो वह आने वाले 3 वर्षों में सच हो सकता है, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में देखे गए स्वप्न ज़्यादातर 1 वर्ष में ही सच हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे के लगभग खुल जाती है तो इसका अर्थ होगा कि परमात्मा यही चाहते हैं कि आप सुबह उठें और उनका ध्यान करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 बजे के बाद एवं 5 बजे के अंदर सुबह के समय खुल जाती है तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रायः देखा जाता है कि इस तरह के लक्षण फेफड़ों से संबंधित रोग को जन्म देते हैं। दोस्तों, ऐसा अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से भी होता है। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय अमृत वेला का समय होता है। इस समय नींद खुलने का अर्थ होता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। सुबह जल्दी जगने से केवल मन ही नहीं अपितु स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, परंतु आपकी नींद अचानक घबराहट से खुलती है तो इसका अर्थ होता है आप अंदर से बहुत दुखी हो। वहीं अगर आपकी नींद सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच खुलती है तो इसका अर्थ होगा कि आप बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ऊर्जा का संचार बहुत अधिक होता है और इसे आप एक अच्छी आदत भी मान सकते हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि व्यक्ति को सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगते हैं उनके जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाएं और घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें, जिससे सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। इसके बाद स्नान करके भगवान को धन्यवाद दें और उनसे कहें, आपके ही वजह से यह सुनहरा दिन हमें देखने को मिला है। इस तरह प्रतिदिन सुबह करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित ही आएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।